थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सुपर ब्लेस्ड ऑलवेज एंड सुपर मोर ब्लेस्ड फॉर एवर माई हैप्पी यूनिवर्स फैमिली. आई एम शालिनी, आई एम अ टीचर ऑलवेज हियर टू मेक यू सो मच हैप्पी एंड ब्लेसफुल. सो एज अ टीचर, वट एवर वी हैव गाइड टू एनी वन, वी हैव गाइडेड अवर सेल्फ एंड वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू टूडे. सो बिफोर दैट यू नो वॉट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. I heartily, firstly, value a lot your time. I value a lot your all blessings that you always shower on us as a pearl of your words. Thank you so much for loving your own channel, My Happy Universe. And you know what it has become? It has become super more blessed happy universe forever with your love and your happy vibrations. So friends, don't delay the time. Just be grateful towards your creator. You may belong to any belief system. Say thank you for the reasons till you are alive. And we heartily thank you to everyone who are watching this video right now. God bless you everyone with lots of happiness, joy and prosperity in your life. So let's know what we have discussed till now, because today I have something unique for you. Till now we have just discussed with thank you, physical health, mental health, emotional health, social health and spiritual health, and one other than that, body, mind, spirit. Now we'll take little bit break and I have something new for you. You know what is the meaning of 111111? I'll tell you the meaning. Kya hota hai jab aap teen bar 111 dekhte hain? Dekha hai aapne kabhi? Aapne notice kiya hai? मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ यूनिवर्सल पावर्स हमारे साथ कॉन्टैक्ट करती हैं. मैंने आपको बताया था एंजल नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी अगर आप बिलीव करते हो इन चीज़ों में तो कुछ यूनिवर्सल साइंस हमें मिलते हैं. वो कौन से साइंस होते हैं? जब रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं. और आज जो है वो माई हैप्पी यूनिवर्स की 111 वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए. 111 का मीनिंग भी आपको बता देते हैं. और वन नंबर मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट है, और नंबर वन कौन नहीं बनना चाहता? लेकिन आप चाहते हो कि कोई आपको नंबर वन कहे? जब आप अपने आप को मान ही लोगे कि आप नंबर वन हो, तो आई थिंक आप किसी चीज़ में अपने आप को काउंट ही नहीं करोगे. आप किसी कॉम्पिटिशन में नहीं होंगे, आप किसी भीड़ में नहीं होंगे, आप भीड़ से अलग हो जाओगे. तो चलिए आज आपके साथ डिस्कस करेंगे माई हैप्पी यूनिवर्स के कुछ स्पेशल नंबर वन डेज, क्योंकि आज रिव्यू करना भी बनता है. क्योंकि हमने जो कुछ भी बातें की हैं वो याद तो होनी चाहिए ना कि हमने आज तक क्या क्या समझा और क्या क्या जाना है, क्योंकि बहुत से मेंबर्स हैं जो न्यू जुड़े हैं इस हैप्पी यूनिवर्स फैमिली में. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बता देते हैं कि 111 का मीनिंग क्या है. 111 का मीनिंग है फ्रेंड्स, यू आर जस्ट गोइंग लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. आप अपने स्पिरिट में रिन्यू होते जा रहे हैं. तो देखिए माई हैप्पी यूनिवर्स बॉडी माइंड स्पिरिट में चल रहा है, और 111 भी सिग्निफाई कर रहा है. और जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी में बढ़ रहे हैं, एवरी थिंग विद गॉड्स ग्रेस, एंड वी ग्लोरीफाई आवर क्रिएटर फॉर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग, एंड गॉड ब्लेस एवरी व्यूअर ऑफ माई हैप्पी यूनिवर्स. सो मेनी व्यूअर्स आर जस्ट ऑन द वे. Blessed in advance and we praise God for everything. So friends, आज बात करते हैं कुछ clarity of life की, फिर आपके साथ कुछ special days discuss करेंगे. और कौन है वो special viewers जिनको हमने number वन पे, जिन्होंने first number लिया है My Happy Universe के कुछ special days में. तो friends, clarity of life में आज बात करेंगे पहले कि क्या समझते हैं आप किस्मत से. मेरी किस्मत ख़राब है, भाग्य में ऐसा लिखा था तो ऐसे ही होगा, या फिर किस्मत का लिखा बदल सकते हैं. मैंने कहा आपके थॉट्स, आपके कर्म, आपकी फीलिंग्स, हर चीज़ के निर्माता आप हैं. अब कैसे प्रूव करें? मैं आपको एग्जांपल दूं. यू मे बिलोंग टू एनी बिलीफ सिस्टम. आप अपने मानने वालों के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर आज एक नज़र ज़रूर डालिए. क्यों डालें? क्योंकि हम जब उनकी लाइफ को देखेंगे तो बहुत कुछ सहना हम सीख जाएंगे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप अपने आप को मारिए अंदर अंदर. सहना किस तरह का सहना? पेशेंस के साथ सहना. और सहना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जब आप सहते हैं
तो आपका जो मानने वाला है वो आपके लिए कुछ किसी को सहने नहीं देता, और आपके लिए वो किसी को गलत कभी नहीं करने देता। तो चलिए बताती हूँ, हाल ही में ही आपने जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। क्या अगर आप डिवोटी हैं लॉर्ड कृष्ण जी के, तो क्या आपने उनकी लाइफ की उन स्टोरीज़ के ऊपर कभी सोचा? क्या स्ट्रगल नहीं किया? क्या उन्होंने कर्म नहीं किया? इस धरती पर आकर कर्म नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। क्या उन्होंने जन्म कहीं और लिया? काल कोठरी में जन्मे, पले कहीं और, प्रेम किसी और से किया। क्यों किया उन्होंने? हो सकता है कुछ उनके भी कार्मिक अकाउंट रहे हों। आप जानते हैं, अगर आप इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कुछ कार्मिक अकाउंट इनके साथ भी जुड़े रहे। और जब भी हम एज ए ह्यूमन बीइंग है, मैंने कहा ह्यूमन नेचर है, हमसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं और हम में भी बहुत त्रुटियाँ हैं, तो हम भी आपके साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं और हम भी एक दूसरे से देखकर बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं अपने किसी और डिवोटी की, आप बात कर लीजिए लॉर्ड रामा जी की, तो क्यों गए वो वनवास? अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कर्म की, क्योंकि आज मैं बताऊँगी कि हमने कर्मों की बात की, डिसिप्लिन की बात की, तो लॉर्ड रामा जी के फादर को श्रवण कुमार जी का श्राप था उनके फादर को, उसकी वजह से जो कुछ कर्म का फल था, उस कर्म की वजह से जो लॉर्ड रामा थे वो वनवास में गए। है ना ये कार्मिक अकाउंट्स। और इन्होंने कितने पेशेंस के साथ, आज दुनिया इन्हें पूछती है, क्यों पूछती है? अगर बात करते हैं हम अपने लॉर्ड जीसस की, तो उन्होंने अपने लिए क्या किया? उन्होंने कुर्बानी दी हमारे पापों के लिए। क्यों दी? क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें दुनिया के लिए मरना है। तो इस दुनिया में जो भी इंसान आए, बनकर इंसान आए, बाद में उन्होंने महान आत्माओं का रूप ले लिया, तो क्या उन्होंने कर्म नहीं किए? हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी किस्मत में जो लिख दिया है वो सिर्फ वही परमानेंट है? क्योंकि विश्वास करना सही बात है, गलत विश्वास करना कि ये तो मेरे भाग्य में लिखा ही है। आपको मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास मत कीजिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ ए साइंस, वो हमें लॉजिक देती है, वो हमें नेगेटिव नहीं करती। लेकिन आपको पता है जब कोई भी ट्रू एस्ट्रोलॉजर आपको ट्रू होप देता है, तो वो हर एक चीज़ का सोल्यूशन भी आपको देता है और वो मिथ्स को ख़त्म करने की बात कहेगा। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि हम स्पेशली इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, इनफैक्टली हम अपने आसपास भी देख सकते हैं और अपने घरों में भी देख सकते हैं कि बहुत टाइम हम कुंडलियाँ दिखाते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये सही है। हो सकता है जिस नक्षत्र के टाइम पे हमारा बर्थ हो जाता है उस टाइम के कुछ योग बन जाते हैं, लेकिन क्या उन्हीं योग के बेस पर ही हमारी लाइफ लिखी जा सकती है? ये ज़रूरी है? क्या आप उस टाइम बहुत श्योर थे कि अगर आप अपना टाइम बताते हो 10:05, क्या आप श्योर हो कि उस टाइम पे पूरे सेकंड्स, 1-2 मिनट, वो सब कुछ? क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए तो 1 सेकंड ही बहुत है। किसने सोचा था कि कोरोना का टाइम इतना लंबा जाएगा? कहाँ है, 1 सेकंड में ही हम सब अपने घर पे आ गए, ये क्या था? और अब मैंने आपके साथ ये बात क्यों की लॉर्ड रामा जी की और लॉर्ड कृष्ण जी की? हमारे जितने भी पूजनीय हैं, हमारे गुरुज हैं, वी रिस्पेक्ट एवरी वन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर स्पिरिट, क्योंकि हम इनके जितना स्ट्रगल करने के लायक अपने आप को मानते ही नहीं हैं, बट हम इनको देखकर स्ट्रेंथ ले सकते हैं। दूसरी बात कि क्या इनके कर्म, इनके भाग्य पहले ही लिखे गए थे, तो आज हम इनको पूजते क्यों हैं? क्यों पूछते हैं? क्योंकि इन्होंने दुनिया में आकर कर्म किया और हमें जीने की एक कला सिखाई। हम मानते तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हम इनकी ज़िंदगी से जीना सीखते हैं? और जब हम अपने कर्म के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं, हम थोड़ा सा सह लेते हैं, नियति हमारे लिए खुद लड़ती है। अपने कर्म को सही रखें, किसी को बुरा ना बोलें, किसी को कर्स आउट ना करें। बेशक कोई हमें कितना भी बुरा कहता है, योर क्रिएटर ऑलवेज फाइट फॉर यू, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का स्पेशल क्लैरिटी ऑफ लाइफ पॉइंट उन स्पेशल व्यूअर्स के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ ये मानते हैं कि जो भी किस्मत और कुंडली में लिख दिया वही आपकी लाइफ की डेस्टिनी है। यू आर द डायरेक्टर, यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर डेस्टिनी। जस्ट राइट इट योर डेस्टिनी विद योर फुल डेडिकेशन एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ
एंड फ्रॉम योर क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि स्पेशल वीडियो जो हमने माई हैप्पी यूनिवर्स में स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट वीडियो था, वन स्टेप टुवार्ड्स योर पीस एंड हैप्पीनेस, जिसके व्यूअर्स हमारे 1300 से ज़्यादा हो चुके हैं और हर दिन बढ़ते ही जाते हैं। थैंक यू गॉड फॉर दिस। अगला वीडियो हमने जो बनाया था वो 17th वीडियो था, 10 मई 2020, जिसमें हमने मदर्स डे स्पेशल सेलिब्रेट किया था एज ए पॉइंट। उसके बाद हमने और बहुत से स्पेशल वीडियोस बनाए, जिसमें हमने स्पेसिफिक पर्सन्स को ऑनर किया, जिसमें हमने मिस सुष्मिता जी को ऑनर किया था उनके नेम की क्वालिटीज़ बताकर। थैंक यू सो मच, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप हुआ था। और ये हमारी वीडियो नंबर 27th। उसके बाद हमने जब माई हैप्पी यूनिवर्स की 30 वीडियोज़ कंप्लीट की थी, ब्रदर्स डे स्पेशल, जिसमें हमने अपने ब्रदर को डेडिकेट की थी ये वीडियो, जो कि हमने बनाई थी 24 मई 2020 में, और ये वीडियो नंबर था 31। और उसके बाद हमने जून को सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो मेरा बर्थडे मंथ, बहुत स्पेशल। उसमें हमने बातें की थी नेचर के बारे में, ठीक है, नेचर के बारे में बताया था हमने 6 जून को, एक्चुअली में हमने बताना 5 को था लेकिन 6 को बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने स्पिरिचुअल मंडे स्पेशल स्टार्ट किया था 14 जून को, ठीक है, जिसमें आई थिंक वीडियो नंबर 52 है वो, जहाँ पे हमने पेनफुल और स्ट्रगल स्टोरीज़ के बारे में बताया। उसके बाद हमने जो फर्स्ट सक्सेसफुल स्ट्रगल स्टोरी जो शेयर की थी अपने फादर की, मिस्टर चमनलाल जी की, उनको ऑनर किया था। देन उसके बाद जो 70th वीडियो थी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की, तो वो हमने की थी 3 जुलाई 2020। तो फ्रेंड्स, ये हैं माई हैप्पी यूनिवर्स के फर्स्ट स्पेशल डेज, जो हमारे दिल के, हमारे व्यूअर्स, हमारे क्रिएटर के बहुत करीब हैं। आपके प्यार ने इस चैनल को इतना ऊंचा किया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी। आई लव यू ऑल। चैनल बहुत अच्छा है, आपकी खुशियों का है, आपकी पीस का है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप नहीं भी करते, देन आई लव यू ऑल विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी गोइंग टू इन्वाइट योर इन योर लाइफ। आई लव यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड।